कुक विद बिमला चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चीज सैंडविच। हमारी गाजर ली हुई है, पत्ता गोभी लिया हुआ है, प्याज भी लिया हुआ है और खीरा भी डालेंगे उसी के साथ में। हम टमाटर लिया हुआ है, कॉर्न की चीजी सॉस है, ये मिर्च है, ये गार्लिक सॉस और उसी के साथ में हम चीज़ भी डालेंगे। इसमें एक साथ में हम चिली सॉस डालेंगे, टोमेटो सॉस भी डालेंगे, सीजवान सॉस भी डालेंगे। हमने बड़ा बाउल लेते हैं, उसमें डालेंगे पत्ता गोभी, गाजर भी डालेंगे, प्याज भी मिला लेंगे इसी के साथ में। इसी के साथ में हम कॉर्न डाल देंगे। सर लिया हुआ है, इसमें एक छोटा चम्मच नमक डालेंगे। अब हम इसी के साथ में एक चौथाई जो है लाल मिर्च पाउडर डालेंगे अच्छे से। नहीं, जो हमने सॉस ली हुई थी ये तीनों हम इसी में मिला देंगे। टोमेटो सॉस भी डाल देंगे, चिली सॉस भी डाल देंगे। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं पूरा हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ब्रेड ली हुई है, अब इसमें से हम सॉस लगाएंगे तीनों। तीनों प्रकार की मैंने सॉस लगा ली है जो कि आप देख सकते हैं। पहले मैंने चीज़ ली हुई है, चीज़ भी रखेंगे इसमें, टमाटर भी रखेंगे, दो टमाटर रखे हुए कटे हुए। अब मैंने इसको खीरा काट कर रख दिया हुआ, तीन पीस चार पीस रख दिए। इसी के साथ में हम प्याज भी रख देंगे। अब जो मैंने मिक्सर तैयार किया हुआ था इसको भी इसी साथ में रख लेते हैं। अब ये हमारा रख चुका है, हम ऊपर से ब्रेड लगा लेंगे। इसी तरह हमें जैसे मैंने पहले किया हुआ था वैसे दूसरी ब्रेड के ऊपर करेंगे। चीज रख रही हैं हम, टमाटर रखेंगे हम, खीरा भी रखेंगे, साथ में प्याज भी रख लेंगे। जैसे कि मैंने पहले बनाया हुआ था अब दूसरी प्लेट में मिश्रण रख लेते हैं। अब हम ऐसे इस तरह से हमारी ब्रेड तैयार हो गई है। अब हमें हमारी ब्रेड पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम जो है घी लगा देते हैं ऊपर से। हमने सैंडविच मेकर रखा हुआ है, इसका स्विच ऑन कर लेंगे। अब हमने सैंडविच मेकर में ब्रेड रखी हुई है, अब इसको हम सेक लेते हैं। ये देखिए हमारा सैंडविच तैयार हो चुका है, अब इसको हम सर्व कर लेंगे।